कक्षा 10 गणित में द्विघाती समीकरण रैखिक समीकरण में या युग्म समीकरण में दिया गया है द्विघाती, इसको जो प्रश्न ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया इसको बोलते हैं द्विघाती प्रश्न। द्विघाती मतलब जो बात पर आधारित हो। प्रश्न कह रहा है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पहला कह रहा है जो शर्तानुसार पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, किसकी 4 गुनी है? पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है और पिता, तो इसलिए मानेंगे माना पुत्र की आयु या उम्र पुत्र की आयु एक्स वर्ष है, मान लिया गया। अब इसमें कह रहा है पुत्र की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी, कौन 4 गुनी है? पिता, पिता की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु की 4 गुनी, ठीक, तो हो जाएगा पिता की आयु कितना 4 एक्स वर्ष है। यह तो फिर करते हैं, ठीक। अब आगे कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु, प्रश्न में बाद या पश्चात आएगा तो उसमें प्लस करते हैं जोड़ेंगे। अगर प्रश्न द्विघाती प्रश्न में पहले या पूर्व आता है तो घटाया जाएगा, तो प्रश्नानुसार पांच वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगी? पुत्र की आयु कितना मान ली एक्स, तो पुत्र की आयु हो जाएगी 5 वर्ष बाद एक्स प्लस 5, ठीक। फिर 5 वर्ष बाद अब किसका निकालेंगे? पिता की आयु, 5 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगी कितना? 4 एक्स प्लस 5, यह चार गुनी थी। अब आगे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी होगी? 3 गुनी, लिखित प्रश्न अनुसार ये प्रश्न 5 वर्ष बाद पिता की आयु, 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितना है? 4 एक्स प्लस 5, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, ठीक है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने बता दिया 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। अब इसी को हल कर लीजिए आप, तो 4 एक्स प्लस 5 बराबर 3 एक्स प्लस 15, ठीक, 4 एक्स प्लस 5 5, इसको पक्षांतर कर दीजिए, माइनस 3 एक्स बराबर 15 माइनस 5, ठीक, हो जाएगा एक्स बराबर कितना? 10। एक्स किसको माने हैं? पुत्र को माने हैं, ठीक। अब पिता कितना हो जाएगा?
सीता की उम्र इतना बड़ा आई पूरेस और पूरेस में दस जन चालीस वर्ष प्रश्न था पिता की वर्तमान आय पुत्र की वर्तमान आय की चार गुनी है। पांच वर्ष बाद पिता की आय पुत्र की आय की तीन गुनी होगी। तो प्रश्न में जैसे कह रहा वैसे दिया गया है। पुत्र की आय मान लिया गया एक वर्ष है तो उसका चार गुना कौन है? पिता। पिता पूरे एक हो गया। प्रश्न के अनुसार फिर चलेंगे पांच वर्ष बाद पिता की आय तो पांच वर्ष बाद जो है पिता की आय 4x+5। ठीक उसी प्रकार आय पुत्र की आय तीन गुनी पांच वर्ष बाद पुत्र की आय भी निकालेंगे x+5। अब आगे जो है तीन गुनी है तो प्रश्न अनुसार तो पांच वर्ष बाद पिता की आय पुत्र की आय तीन गुनी गुनी मतलब गुणा तो तीन गुणे पुत्र की आय ठीक तीन का अंदर मल्टीप्लाई हुआ 3x+15 या 15 जो भी है पक्षांतर से हो गया 4x-3x=15-5 x=10। x किसको मानते हैं? पुत्र को। पुत्र की उम्र या आयु आगे की तरह 10 हो। पिता की उम्र 4x माने 4×10 हो। अगला प्रश्न है किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक हटा दिया जाए तो नए भिन्न का मान 3/5 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न में अंश और हर होता है तो इसको हल करने के लिए करेंगे क्या? पहले मान लीजिए माना भिन्न माना भिन्न x/y है। अब प्रश्न के कारण चलेंगे। कराए किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर प्रश्न अनुसार किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर तो भिन्न क्या है x/y कितना जोड़ने पर अंश और हर में एक जोड़ दिया भिन्न का मान कितना हो जाता है 4/5 हो जाता है। पहला शर्त यह है ठीक किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर भिन्न का मान कितना हो जाता है 4/5। तो अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई से 3 के गुणा हो जाएगा कितना 5x+5=4y+4 पक्षांतर से हो जाएगा 5x-4y=4-5 तो 5x-4y=-1 समीकरण नंबर 1 ठीक। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न शर्तानुसार क्या कह रहा है यदि अंश और हर प्रत्येक में से कितना घटा दे एक घटा दे तो नए भिन्न का मान कितना हो जाता है 3/4। लेकिन ये पुनः प्रश्न अनुसार या द्वितीय शर्तानुसार जो भी अच्छा लगे या खाली लिखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहे अंश और हर y हो गया आपका इसमें कितना करा घटा दे -1 घटा दे अंश और हर में -1 घटा दे या 1 घटा दे तो नए भिन्न का मान कितना हो जाता है 3/4। ये 3/4 हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे 4x-4=3y-3
अब समीकरण एक दो को हल करेंगे। हल करने के लिए विलोपन विधि से गुणा या व्युत्क्रम जो भी यूज करना चाहे, तो इसमें जो है इसमें तीन से गुणा कर दो, इसमें चार से कर दीजिए, इसमें चार से इसमें तीन से, चार से गुणा करोगे या लिख दीजिए आप समीकरण एक में तीन से और समीकरण दो में चार से गुणा करने पर, ठीक, चार से गुणा करिए 16x माइनस चार तीन 12y बराबर चार, इसमें तीन से कर दीजिए 15x माइनस 12y बराबर माइनस तीन, समान चीज है तो घटा लिए पर माइनस प्लस इक्कीस हो जाएगा, कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा सात, x का मान सात आ गया। अब x का मान समीकरण एक या दो में रख दीजिए, x का मान समीकरण एक में रखने पर रखिए 5x माइनस 4y बराबर माइनस एक, 5 गुणी x गुणी 7 माइनस 4y बराबर माइनस एक, माइनस 4y बराबर माइनस एक, पैंतीस हो जाएगा पूरा करके इधर आएगा बढ़ जाएगा माइनस 35। हो जाएगा माइनस 4y बराबर माइनस 36, माइनस दोनों पक्ष में माइनस खत्म हो जाएगा, वाई मान आ जाएगा चार गुणिया 36, वाई मान 9। तो भिन्न क्या होगी, भिन्न मान लेते हैं x पर y, यहां देख लीजिए भिन्न हमारा था क्या, मानकर चले थे, मानकर चले थे भिन्न जो है x पर y, x की वैल्यू कितना है 7 और y की वैल्यू कितना है 9, अभिष्ट भी हो गई हमारे कितने 7/9। तो इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए प्रश्न जैसे कह रहा है आप उसके अनुसार करते चले जाइए, आपका प्रश्न क्लियर हो जाएगा। जैसे एक बार फिर से बता रहे कर है किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर, भिन्न की बात कर दी गई तो भिन्न में अंश और हर होता है, ठीक, अंश को x मान लीजिए हर को y मान लीजिए तो भिन्न आपका बन जाएगा x अपान y। अब इसके अकॉर्डिंग एक जोड़ने पर किसमें जोड़ा जा रहा है अंश और हर, तो अंश में एक जोड़ दिया गया और हर में एक जोड़ दिया गया, नहीं भिन्न का मान कितना हो जाता है 4/5, तो बराबर हो गया 4/5, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप गुणा करेंगे, गुणा करने पर ये मिला पछाड़ से आगे आपका 5x माइनस 4y बराबर माइनस 1, ठीक। द्वितीय शर्त का सवाल क्या कह रहा है, अंश और हर में एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 3/4 हो जाता है, कितना हो जाता है 3/4। तो द्वितीय शर्त अनुसार या प्रश्न अनुसार
और हर में घटा दिया गया, इतना मान हो जाता है 3/4, 3/4 कर दिया, फिर त्रियगुणा, तो 4x-4=3y-3, यह पक्षांतर कर दिया गया, पक्षांतर करने पर यह प्राप्त हुआ, यह आपका समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण एक यहाँ से मिला था, यहाँ लिख दिया गया समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, एक भी गुणा बराबर नहीं है, या इसको बराबर करना चाहते हैं या इसको बराबर कर दीजिए, इसमें 4 से गुणा कर दिया गया, इसमें 3 से गुणा करके गुणा को बराबर कर दिया गया, चिन्ह समान था तो घटाने पर अगर चिन्ह विपरीत होता तो जोड़ने पर हो जाता, तो सॉल्व करने पर एक समान कितना आया 7, एक्स का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए तो वाई मान आ गया कितना 9, तो 20 भिन्न हो गई आपकी, ये सपा माई माने थे 7/9।